हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कुवैत हिंदी न्यूज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग सफ़र जाना चाहते हैं टिकट के बारे में। दोस्तों, इस टाइम जो सफ़र जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। कुवैत के अंदर 25 फरवरी को नेशनल डे है, जिसके कारण कुछ ऑफ़र भी चल रहे हैं। अगर आप कुवैत एयरवेज से जाना चाहते हैं तो सस्ते में टिकट मिल जाएगा। उसके अलावा फ्लाई दुबई और अल जजीरा का टिकट लेंगे तो 35 से 40 केडी में आपको टिकट मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता टिकट है। उसके अलावा कुवैत एयरपोर्ट को लेकर एक कानून आया है, पिछले वीडियो में आपको बताया था। जो लोग सफ़र जाना चाहते हैं उनको एयरपोर्ट पे 2.5 से 3 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो 1 घंटा पहले बोर्डिंग कार्ड बंद हो जाएगा। इससे पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, जो भी कुवैत के अंदर 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके अकामा रिन्यूअल को लेकर फाइनल डिसीजन आ गया है। अगले संडे से सभी का रिन्यूअल शुरू कर दिया जाएगा और इंश्योरेंस के लिए कुछ कंपनी को अप्रूव दिया गया है। उस कंपनी से इंश्योरेंस करवा कर आप अकामा लगवा सकते हैं। यहाँ पर 11 ऐसी कंपनी है को लाइसेंस दिया गया है जिसके द्वारा इंश्योरेंस करवा सकते हैं। पहला है कुवैत इंश्योरेंस, दूसरा है गल्फ इंश्योरेंस, तीसरा है अल अहलिया इंश्योरेंस, चौथा है वारबा इंश्योरेंस, पांचवा है गल्फ इंश्योरेंस रेन इंश्योरेंस इंटरनेशनल, और छठा है टेकाफोल इंश्योरेंस, सातवा है अलाफ टेकाफोल इंश्योरेंस, आठवा है बोवियान टेकाफोल इंश्योरेंस, नौवा है टेकाफोल इंश्योरेंस अरब इस्लामिक टेकाफोल इंश्योरेंस। कुछ ऐसे 11 कंपनियां हैं जिसको लाइसेंस दिया गया है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो नॉन ग्रेजुएट हैं। इंश्योरेंस करवाने के बाद अकामा रिन्यूअल कर सकते हैं। यह मैटर 1 साल से लटका हुआ था, अब जाकर क्लियर हुआ है। आज का कोरोना का लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 5401 नया केस आया है, 2 डेथ भी हुआ है और 5846 रिकवरी हुआ है। कुवैत से सभी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।